हाई एवरी वन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो NTA यूथ सेनेट दिसंबर 2024 एग्जाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक सबसे बड़ा सवाल ये जरूर होगा कि इस पेपर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब भरे जाएंगे। हम सभी NTA की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ एक मोस्ट एक्सपेक्टेड शेड्यूल भी शेयर करूंगी, जिससे स्टूडेंट्स आप सभी को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। और इसके साथ ही एक और सवाल का जवाब भी आपको इस डिस्कशन में मिलेगा कि अगला एग्जामिनेशन हमारा कब होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, देखिए यही हमने हमेशा से सुना है कि NTA पेपर दो बार कंडक्ट करवाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो क्या अगला पेपर दिसंबर मंथ में होगा या फिर NTA पेपर को पोस्टपोन करके जनवरी मंथ में पेपर कंडक्ट करवाएगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपके पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूं, जिसमें स्टूडेंट्स हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और पेपर के अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाते हैं। इसका न्यू बैच 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। और पेपर वन में स्टूडेंट्स इसकी मदद से आप इजीली 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, जिससे कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका GRF क्वालिफाई हो सकता है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें हम आपको हर क्लास के बाद PDF नोट्स तो देंगे ही, साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली हम एजुकेटर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आप अगर दिसंबर 2024 की जगह जून 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज से पेपर वन की तैयारी में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहने वाली है। इसके अलावा फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर। आप स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे हम कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सेपरेट कोर्सेज है। हर कोर्स में आपको यूनिट वाइज फोल्डर मिलेंगे, जिससे आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन कर सकते हो। यूनिट वाइज और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको हम देते हैं, जो कि बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दो नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज या कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हो। इसी के साथ फिर डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब भरे जाएंगे। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें यही सुना होगा कि पेपर हमारा गारंटी है कि दिसंबर में ही होगा, और मैं यही बोल रही थी आपको कि अक्टूबर से हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सेप्टेम्बर मंथ में, अगस्त और सितंबर मंथ में जो UGC नेट री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट NTA ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो अगले एग्जामिनेशन के फॉर्म्स, अगले एग्जामिनेशन की डेट्स जो है वो पिछले एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही आपको पता चलेगी। सो अभी ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ 14 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 14th या 15th अक्टूबर तक NTA री एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट जरूर डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद अक्टूबर मंथ के एंड तक या फिर नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में अगले एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का भरने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स है और पक्का NTA इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हम ये फिलहाल मानकर चलते हैं कि हमारा पूरा नवंबर का मंथ जो है वो अगले एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने में चला जाएगा, क्योंकि NTA मिनिमम 30 डेज का समय तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए देता ही है। उसके बाद फॉर्म में अगर कोई आप लोगों को करेक्शन करना है, कोई गलती आपसे हो गई है उसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए भी NTA 2 से 3 दिन का समय स्टूडेंट्स को जरूर देता है। तो इन सभी चीजों को जब हम अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें यही चीज क्लियर समझ में आती है कि नवंबर में अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो दिसंबर में तो पक्का है कि पेपर होगा ही नहीं। तो एग्जामिनेशन अगला UGC नेट का पक्का है कि जनवरी 2025 में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रख लेना है, यही मोस्ट एक्सपेक्टेड शेड्यूल है, क्योंकि दिसंबर में पेपर होने का चांस अभी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो अगर हम लोग उस अकॉर्डिंग देखें तो हमारे अगले एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास लगभग 15 दिन अक्टूबर मंथ के हैं, ओके, ऑलमोस्ट 30 डेज नवंबर एंड 30 डेज ही हम दिसंबर के लिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना समय हमारे पास है
अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन हम लोगों को जनवरी मंथ के भी शायद मिल सकते हैं। तो लगभग अगर हम ये मानकर चले 70 से 80 दिन का समय हमारे अगले एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमें दिया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मैम पेपर टू की तैयारी तो कर ही रहे हैं, पेपर वन की हम पेपर से एक महीना पहले कर लेंगे, एग्जाम से एक महीना पहले कर लेंगे, तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको आज से ही पेपर वन और पेपर टू दोनों को साथ में लेकर चलना है, फिर कहीं जाकर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेआरएफ या फिर नेट को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी आपका पेपर क्वालिफाई करना और आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं तो ये दो व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।